बहाल हुआ राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट यानी कि रिकवर कर दिया गया है। करीब एक घंटे पहले हैक हुआ था राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट। राज्यपाल के पदनाम के स्थान पर अरबी भाषा में लिखे गए थे कुछ शब्द, लेकिन अब अरबी भाषा के शब्द अकाउंट से हटाए गए हैं। अब फिर से कलराज मिश्र के आगे लिखा रहा राज्यपाल राजस्थान। राजभवन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अकाउंट बहाली को लेकर कवायद की गई, अरबी भाषा के ट्वीट को भी डिलीट कराया जा रहा है। लगभग एक घंटे के आसपास ये ट्विटर अकाउंट हैक रहा, लेकिन अब अकाउंट को रिकवर कर लिया गया है, यानी कि जिस स्थिति में पहले अकाउंट था उसी स्थिति में वापस आ चुका है। उम्मीद करेंगे कि सिक्योरिटी और बढ़ाई जाएगी सोशल मीडिया पर ताकि दोबारा अकाउंट हैक ना हो। लेकिन एक घंटे के दौरान जो लिखा गया उसमें कुछ आपत्तिजनक ज्यादा नहीं था। गंभीर मामला यही कि अकाउंट को हैक किया गया है और राज्यपाल के अकाउंट को हैक किया गया। हालांकि यह जानकारी अभी भी नहीं कि हैकर्स कहां से अकाउंट को हैक कर रहे थे या फिर कहां से कंट्रोल कर रहे थे, कहां से यह मैसेज डाला गया। लेकिन राहत की बात यह है कि अकाउंट वापस रिकवर कर लिया गया है और एक बार फिर से सामान्य स्थिति में, जिसमें वापस राज्यपाल कलराज मिश्र के आगे राज्यपाल राजस्थान लिखा गया और जो अरबी में ट्वीट किया गया था उसे डिलीट कर दिया गया। जिस तरीके से देश के शीर्ष नेताओं, प्रदेश के शीर्ष नेताओं के अकाउंट हैक होते हैं, सोशल मीडिया पर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि अगर सामान्य किसी का अकाउंट हैक हुआ होता तो लगभग असंभव था कि उसको इतनी जल्दी रिकवर कर लिया जाता, क्योंकि ये राजस्थान के राज्यपाल हैं, संवैधानिक पद पर हैं। इसलिए जैसे ही ट्विटर इंडिया को लिखा गया होगा, उनसे कॉन्टैक्ट किया गया होगा, तुरंत इस अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश की गई होगी और यही वजह है कि महज एक घंटे में अकाउंट रिकवर कर लिया गया है।